अराउंड इट इज 3 AM एंड हम लोग अभी निकल रहे हैं अंकित ताकि मोस्ट प्रोबेबली बाय 5 o'clock वी शुड बी रीचिंग पुणे और क्लोज टू पुणे एंड जो मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं ये एक पल्सर 180 है एंड इट इज़ 2009 का मॉडल इसको मैंने मॉड किया हुआ है एज एन एडवेंचर स्पोर्ट टूरर ताकि ये ट्रिप कर सके हम लोग विद मोर कम्फर्ट लगेज एंड आप देख रहे पिनियन भी है पीछे अंकित सो मॉम आई हमको नीचे सेंड ऑफ करने बाकी सब घर पे सो रहे थे तो निकलते हैं होप करते हैं यहाँ से सब अच्छा जाए बाय हम लोग टूवर्ड सातारा रोड पे हैं एंड हम लोग ने एक स्टॉप लिया था ऑन द सातारा रोड आज का मेन फर्स्ट लेग है हमारा दांडेली पहुंचना ताकि हम लोग शाम तक दांडेली पहुंच जाएं और कल हमारा बुकिंग है गोकर्णा के लिए और हम लोग ने आज किधर भी बुकिंग नहीं किया फर्स्ट डे है कोल्हापुर में एक स्टॉप लिया है लंच के लिए होटल का नाम ऑरेंज है एंड इसका यहाँ इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर समवेयर टू स्टॉप नियर कोल्हापुर और समवेयर वाइल गोइंग टुवर्ड्स द साउथ मेक श्योर दिस इज अ नाइस प्लेस अगर आप एक बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर आपने मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की जैसे मैंने किया हुआ है तो ज़्यादा इशू नहीं होता है बट अगर आप ये बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आप पहले थोड़ा इसका ट्यूटोरियल लीजिए या कोशिश कीजिए कि आप अपनी खुद की बाइक ठीक कर सकते हैं एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि ये सब होता है इंडिया में रोड्स हैं वो इतने बेस्ट नहीं हैं बेस्ट तो बहुत दूर की बात है नॉर्मल भी नहीं है यहाँ पर इंक्लाइन डिक्लाइन खड्डे ग्रॉवल्स सब कुछ है एंड इवेंचुअली बाइक थोड़ी पुरानी होती है वाइब्रेशंस होते हैं वेट ज़्यादा होता है तो इट टेंड्स टू लूजन योर बोल्ट्स रास्ता देख रहे हो ये दांडेली को जाता है दिस इज़ आई गेस वाय बेलगम एंड रास्ता बहुत अच्छा है हम लोग को अभी तक कोई ज़्यादा ख़राब रास्ते मिले नहीं जो भी ख़राब रास्ते थे वो मुंबई में ही थे उसके बाद यह रास्ता तो नहीं थे एंड बाइक भी अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी तक कोई अंडर पावर नहीं हुआ है ज़्यादा वाइब्रेशन की नहीं हुए हैं मेरे को ये बाइक का ज़्यादा टेस्टिंग करने मिला नहीं इतना सारा वेट और पिनियन के साथ जो भी टेस्टिंग हुई थी वो अराउंड द सिटी सिंगल ही हुई थी रास्ता तो सही है लाइक आराम से 90 और 100 का हम लोग ने एवरेज रखा हुआ है प्रॉब्लम ये होता है कि ये जंगल है ना तो यहाँ पर ज़्यादा व्हीकल्स तो नहीं है बट यहाँ पर जो है एनिमल्स लाइक जो अपने कैटल एनिमल्स होते हैं और पीकॉक्स ऑल ऑफ अ सडन आ जाते हैं अब यहाँ एक नया इशू आया है मैं बाइक चला रहा था और सडनली मेरी बाइक का बैलेंस चला गया बाय द टाइम अंकित उठा उसने देखा कि टायर तो ठीक था मैंने बोला चल मेरे को लगा कुछ और बेंड वेंड तो ना हो गया तो मैं थोड़ा पाया कि जो शॉकअप था उसका जो अंदर का पिस्टन होता है वो एक्चुअली एक ग्रूव में माउंटेड रहता है
वो अनस्क्रू हो गया था एंड जिसके वजह से स्प्रिंग निकल गया था नीचे, बट लकीली स्प्रिंग रहा अंदर, सिर्फ नीचे का जो वॉशर था वो निकल गिर गया था। एंड नाउ वी वर अराउंड ऑड 80 किलोमीटर्स फ्रॉम दांडेली। बाय गॉड्स ग्रेस सस्पेंशन लग गया वापस एंड हम लोगों ने फिर एक नॉर्मल स्लो स्पीड रखी इनिशियली, क्योंकि मालूम नहीं था कि ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा। 80-90 का स्पीड लिमिट मेंटेन करें। अभी तक एक आध जगह पे ही ऐसे फील हुआ है कि बाइक अंडर पावर थी, और वो था व्हाइल वी वर ट्रैवलिंग फ्रॉम सातारा टू बेलगम। तो वहाँ पर बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे है और वहाँ पर अब 100 और 120 की स्पीड भी अंडर पावर लगती है। अब हम दांडेली पहुँच गए हैं और हमसे ये मिसकैलकुलेशन होगा कि हम लोग ने दांडेली में होटल बुक नहीं किया एंड हमको लगा था कि चलो मिल जाएगा, बट हमने एक चीज़ कंसिडरेशन किया नहीं कि ये वीकेंड है एंड सारे होटल्स फुल थे। लकीली हमको एक जगह मिला ऑन इंटरनेट जहाँ पर वैकेंसी दिखा रहा था, अवेलेबल रूम दिखा रहा था एंड वो नज़दीकी था जहाँ पर हम लोगों ने हॉल्ट लिया था, सो वी वाज जस्ट गोइंग टू चेक आउट। बट हमने ये नहीं सोचा था कि ये रास्ता ऐसा होगा, लाइक ना एक लाइट ना एक साइन बोर्ड, बस जा रहे हैं एंड ये रास्ता भी नहीं था। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी तो सच में फट गई थी, बिकॉज ऐसा हो गया था कि ऑन द वे मेरा मोटरसाइकिल का जो रिले था वो बाबा शॉर्ट मार रहा था। सो लाइक अगर मोटरसाइकिल ऑफ हो गई तो वो ऑन करने के लिए मेरे को रिले को थोड़ा हिलाना पड़ता था, एक लूज कनेक्शन हो गया था। तो पैंथर जंगल रिजॉर्ट एक एडवेंचर कैंपिंग जगह है जो हम लोग को पता नहीं था एंड इनके पास ऐसे टेंटिंग्स हैं, लोग फ्रॉम अलग अलग जगह से ग्रुप्स आते हैं बेसिकली, जो कोई बैंगलोर से था, कोई हैदराबाद से था, कोई मुंबई से था, कोई पुणे से था, ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स फैमिली एंड यहाँ पर सब अलग अलग टेंट्स हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे इन टेंट देर इज़ एन ऑप्शन, एज वेल एज इफ़ यू वॉन्ट रूम्स, परमानेंट रूम्स, तो वो भी उनके पास था। हम लोग ने फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमको टेंट था एक ही अवेलेबल हैव नाइस कैंप फायर एट नाइट। टेम्परेचर हम लोग अराउंड डिसम्बर में थे तो रात को ठंडा हो गया था और बाद में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया था। दिस इज हाउ इट लुक्स व्हेन अंकित ट्राइज टू ड्रिंक अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। अच्छे से रखो नीचे, अच्छे से गिरना नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग अंकित, जरा दरवाजा खोलो। हाँ नींद आई। अब जब भी आप ट्रैवल करते हो तो सबसे सुबह उठ के आपका ये देखना है कि आपकी मोटरसाइकिल बराबर थी लास्ट नाइट से, क्योंकि लास्ट नाइट तो हो नहीं पाता है जब भी आप बाइक पार्क करते हो, क्योंकि आप बस थके होते हो, आपका मेन इंटेंशन होता है कि बस रूम पे पहुंच जाए। तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, जब भी आप राइड कर रहे हो तो सुबह उठते से फ्रेश हो जाओ, उसके पास अब एक आधा घंटा मोटरसाइकिल के पास अपना स्पेयर कीजिए, उसमें चेक कीजिए कि कौन से पार्ट्स लूज हो गए हैं उनको टाइटन कीजिए, चेन का टेंशन चेक कीजिए और टायर प्रेशर चेक कीजिए। अगर जैसे हम लोग ने एवरीडे 600 किलोमीटर से एवरेज कवर किया है तो इंजन ऑयल का लेवल चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब पल्सर एक एयर कूल्ड इंजन गाड़ी है जिसको मैंने एक ऑयल कूल्ड इंजन के लिए कन्वर्ट किया पल्सर वाले से, तो इसका इंजन ऑयल थोड़ा वेयर एंड टेयर हो जाता है, कम हो जाता है, लाइक 100 ml या 200 ml, तो वो आप एक चेक कीजिए। अगर कम हो गया है तो वहाँ पर इंडिकेटर होता है, वो देख के आप उतना वापस रिफिल कीजिए। एंड इसी तरह आप अगर रोज़ एक आधा घंटा भी अपने मोटरसाइकिल को दो तो कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए।
एंड एक पीस ऑफ माइंड लगा रहता है कि आपने सब चेक कर लिया एंड सब इंटैक्ट है। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज एन अपडेट रिगार्डिंग द ट्रिप दैट आई हैड पोस्टेड, दैट इज फ्रॉम मुंबई टू द फर्स्ट लेग टू दांडेली, एंड आवर नेक्स्ट इज नेक्स्ट डे फॉर टुडे इज गोइंग टू बी गोकर्णा। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ने 600 किलोमीटर्स कवर किया फ्रॉम मुंबई, एंड इट टुक अस अराउंड 12-13 आवर्स टू रीच दांडेली, इंक्लूडिंग ब्रेक्स, इंक्लूडिंग ब्रेक्स, लॉन्ग ब्रेक्स। एंड इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, मतलब आराम से कर लिया। वी टुक नॉर्मल ब्रेक, तो पहला ब्रेक हम लोग ने लिया था लोनावला, हम लोग अराउंड 5 o'clock लोनावला पहुँचे। लोनावला में हम लोग ने अंडा भुर्जी खाया, अंडा भुर्जी खाने के बाद हम लोग निकले। द नेक्स्ट स्टॉप वॉज आफ्टर पुणे, देयर इज अ मैकडोनल्ड ऑन मुंबई सातारा, मुंबई सातारा रोड पे मैकडोनल्ड है। तो बच गए थे 8, गुड वॉशरूम, वहाँ पर हम लोग फ्रेश फ्रेश हुए एंड वी हैड सम क्या था, पैनकेक्स, हाँ पैनकेक्स एंड सम कैपेचिनो। एंड उसके बाद द नेक्स्ट स्टॉप वी डायरेक्टली वेंट टू कोल्हापुर, कोल्हापुर भी स्टॉप फॉर लंच अराउंड 2 o'clock। एंड कोल्हापुर में इफ यू गो देयर इज प्लेस रेस्टोरेंट, यू आर ऑन बाइक एंड यू वॉन्ट योर बाइक टू बी एट योर क्या बोलते हैं उसको नज़र के सामने, तो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड ऑरेंज होटल एंड फूड वॉज गुड एंड नॉमिनल, अच्छा था। हमने वहाँ पर एक वेज कोल्हापुरी थाली और एक नॉन वेज कोल्हापुरी थाली था, वेज ज़्यादा बेटर था एंड चिकन इसके साथ ओके था, बट नाइस प्लेस। आफ्टर दैट वी लेफ्ट अराउंड 3:30 फ्रॉम कोल्हापुर एंड वी कवर्ड अराउंड 100 किलोमीटर टू बेलगम, नहीं कोल्हापुर से बेलगम था 160 और किलोमीटर्स, डोंट कोट मी ऑन दैट, याद नहीं है मेरे को। एंड वी रीच बेलगम एज अर्ली एज 5 o'clock, बाइक थक गई थी एक्चुअली, इसका इतना कैपेसिटी नहीं था, इतना लगेज हम दोनों को, और पूरा दिन इसने चलती रही, बट शी केप्ट ऑन मैनेज। इसके बीच में दो ब्रेकडाउन हुए थे बट इट वॉज प्रीटी मैनेज। उसके बाद जो लेक था फ्रॉम बेलगम टू दांडेली, ये बहुत बड़ा लेक था एंड हमने इसमें से एक रास्ता लिया है, कौन सा रास्ता है वो, सर्च फॉर सैंक्चुरी फ्रॉम बेलगम, बेलगम टू दांडेली वाया सैंक्चुरी, सैंक्चुरी इन द मिडल, भाई क्या रास्ता था, इतना गजब, लाइक एक खड्डा नहीं, एक नहीं, हम लोग आराम से दांडेली तक क्रूज करते हुए जंगलों में विद नो ट्रैफिक, बहुत आराम से कॉर्नरिंग के साथ, कॉर्नरिंग भाई कॉर्नरिंग क्या हमारे वीडियो से चेक करेंगे, और प्लीज भाई हमें कैमरा लगा दिया, आई डाउट कि आगे कुछ सुनने वाले हो। और दांडेली में हम लोग शूटिंग किए नहीं थे, हम लोग एक घंटा था ऐसे घूमे दांडेली होटल टू होटल, एंड हमको मालूम ध्यान में से निकल गया कि सैटरडे वीकेंड है तो रेट वॉज स्कायर ऑपरेटिंग, तो नसीब से ये मिल गया हम लोग को एंड इट वॉज टोटली surprisingly amazing in terms of cost, in terms of locality, in terms of food, in terms of आप आपको बता दो, वहाँ टेंट्स है, कॉटेजेस है, वॉकिंग है, कैंप फायर है, कैरम बोर्ड है, अच्छा खाना है एंड वॉशरूम भी है अच्छे लगे, इफ यू आर विद योर फैमिली और समथिंग, इट वॉज द बेस्ट प्लेस फॉर अ सेफ नाइट आउट कैंपिंग। ये भी एंजॉय क्योंकि हम अपने बाइक पास कर सकते थे, हम इनको अगर एंजॉय की बाइक सेफ है, हमें भी एंजॉय किया। फिर नाउ वी आर लीविंग अराउंड इट इज 10:30, वी आर लीविंग गोकर्णा, हमने गोकर्णा में ऑलरेडी कॉटेज बुक किया है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए एंड इट इज़ लाइक 100 किलोमीटर फ्रॉम दांडेली, तो हम भी फॉलो करते रहिए एंड डे टू का गोकर्णा में आपको मैं कल सुबह निकलने से पहले या आज शाम को चंदन दिखाएंगे, चंदन ठीक है ना, आपको लेके नहीं So this is the place. यहाँ पे काफी तरह के टेंट्स हैं। The first tents available are the probably the solid tents which are here, this side,
And then there are, this is the bonfire area, this is the activity area, that is the cafeteria. We've got some of the adventure sports there. There is wire rock. I think there is rope climbing. There's some, there's a man-made pond there, which is used for kayaking. And this is the tenting zone. We took permission to get our bikes inside. And it's quite good. There is backup, power backup also available. There's a swimming pool here. And the people here are quite hospitable. Check out the area. And this happens to be our tent. So yeah, that's here from Dandeli. We're gonna sign off and catch you next time in Jannat, aka Gokarna. Say bye.